बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज फोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर फोर बाइनरी नंबर सिस्टम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स प्लीज ये बुक परचेज करें फॉर आईकॉम पार्ट वन रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली और पब्लिशर इहसान पब्लिशर। आप ये बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फायदा होगा जी। जी क्वेश्चन नंबर थ्री इवेल्युएट, ये चार पार्ट्स आपने हल करने हैं जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा जी। नाउ वी सॉल्व ईच वन बाय वन जी। तीसरे पहला पार्ट है आपने ये वन वन और वन जीरो को जमा करना है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। वन को जब जीरो के साथ जमा करेंगे तो जवाब वन आएगा, तो वन वन को जमा कर टू आएगा, टू का जो होता है वो वन जीरो होता है भाई। टू का जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो वन जीरो होता है, हमने पहले भी किया, तो ज्यादा आंसर आएगा वन जीरो वन बाइनरी ऑपरेशन टू जी। भाई देखें वन को जीरो के साथ जमा, पहले के साथ जमा करेंगे वन आएगा, फिर वन को वन के साथ जमा टू आएगा, टू का जो होता है वन जीरो होता है। तो वी हैव दिस, नो वी हैव सेकेंड पार्ट जी, आपने तफरीक करना जी। भाई पहले में से पहले निकालेंगे, वन में से वन निकालेंगे जीरो, फिर जीरो में से वन निकालो तो इधर से कैरी देंगे, यहाँ पे वन जीरो होगा, वन जीरो में टू होता है, टू में से वन निकालेंगे वन, यहाँ पे आपका वन बचेगा जी, वन में से वन निकालेंगे जीरो, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा जी, अगला जो होगा वन होगा जी, तो वन आ जाएगा जी, और फिर ये आपका यहाँ पे जीरो था, जीरो उतार दिया और ये वन एज इट इज। तो वी हैव वन जीरो जीरो आगे वन जीरो बाइनरी ऑपरेशन टू जी। इसको मैं करके दिखाता हूँ जी, देखें हमने इसको माइनस करना जी, वन में से वन निकालेंगे जीरो आएगा जी, भाई वन में से वन निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो जी। जी देखें वन में से वन निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो। अब ये जीरो है तो हमारी बात नहीं बनती जी, आपने इधर से कह दिया वन जीरो गया, वन जीरो टू होता है, टू में से आपने वन इधर ले जाए वन जीरो बन गया, यहाँ पे वन रह गया जी, वन जीरो टू होगा, टू में से वन इधर भेजा तो भैया वन जीरो और यहाँ पे वन रह गया, ये टू हो गया जी, वन जीरो टू का बराबर था, टू में से वन निकालेंगे तो क्या आएगा वन आएगा जी। अब यहाँ पे वन था, वन में से वन निकालेंगे तो जवाब जीरो आएगा जी, यहाँ पे वन था, वन में से वन निकालेंगे तो जवाब क्या होगा वन एज इट इज आ जाएगा, और ये जीरो एज इट इज और वन एज इट इज। वी हैव वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ये हमारा रिजल्ट आएगा जी। नाउ वी हैव ट्रिपल वन वन जीरो, वन में जीरो जमा करेंगे वन आएगा, फिर वन में वन जमा करें टू आएगा, टू को वन जीरो लिखा जा सकता है, यहाँ पे जीरो आएगा बाकी वन, वन इधर रखेंगे तो क्या होगा वन जीरो और टू हो जाएगा, और टू क्या होता है जी वन जीरो, भाई टू किसके बराबर था वन जीरो के, वी हैव वन जीरो जीरो वन। भजन देखें मैं उसको, वन जीरो को जमा करेंगे वन आएगा जी, वन वन को जमा करेंगे तो टू आएगा, टू को हम वन जीरो लिख सकते हैं भाई, टू को हम वन जीरो, जैसे टू को आपने टू से डिवाइड किया तो वन क्वेश्चन आया और जीरो रिमाइंडर आया, तो टू बराबर होगा वन जीरो के, भाई टू किसके बराबर होगा वन जीरो के, तो जहां पे टू लिखा हो यू कैन राइट वन जीरो, जहां पे वन जीरो लिखा हो यू कैन राइट टू जी। नाउ मैं इसको जरा डिटेल में करता हूँ भाई, ये हमारे पास है वन 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 छह दो वन है, ये हमारे पास है सिक्स टाइम वन जी, ठीक है जी, और फिर ये फोर टाइम वन है जी। पहले वन को पकड़ के सबसे मल्टीप्लाई किया ये लाइन आ गई, फिर अगले वन को पकड़ जरा दी तो भाई क्रॉस लगा के आ गए वन यहां से चला गया, फिर दो क्रॉस लगाए और वन को मल्टीप्लाई किया तो भाई ये आ गए तीन जी, फिर आपने ट्रिपल क्रॉस लगाए और आगे ये वन से मल्टीप्लाई किया आ गया। अब इनको हमने जमा करना है जी भाई, इनको हमने जमा करना चाहिए। तो भैया थोड़ी सी बातें मैं पिछली डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखें जब दो को दो से डिवाइड करें वन क्वेश्चन रहता है जीरो डिमेंड रहता है, तो टू किसके बराबर था वन जीरो, भाई टू किसके बराबर था वन जीरो, इसी तरह फोर को जब दो से डिवाइड करोगे तो टू क्वेश्चन जीरो रिमाइंडर, फिर दो से डिवाइड करोगे तो भाई वन क्वेश्चन और जीरो रिमाइंडर, तो फोर बराबर होगा वन डबल जीरो जी, भाई फोर किसके बराबर होगा वन डबल जीरो के, भजन फोर किसके बराबर होगा वन डबल जीरो के। इस तरह थ्री को जब दो से डिवाइड वन क्वेश्चन आएगा वन रिमाइंडर, तो थ्री बराबर होगा वन वन के जी, भजन थ्री बराबर होगा वन वन के जी। इसी तरह आपने सिक्स को जब दो से डिवाइड कर थ्री क्वेश्चन जीरो रिमाइंडर, फिर दो से डिवाइड वन क्वेश्चन वन रिमाइंडर, तो आपका सिक्स बराबर होगा वन वन जीरो का, सिक्स बराबर होगा वन वन जीरो का। नाउ फाइव को जब दो से डिवाइड किया
दो क्वेश्चन वन मैटर, फिर दो से डिवाइड का वन क्वेश्चन जीरो मैटर, तो फाइव बराबर होगा जी 101 भाई, फाइव बराबर होगा 101। ये हमने याद रखना, जहां पे फाइव लिखा हो वहां पे वी कैन पुट 101। इसी तरह सेवन को जब दो से डिवाइड होगा थ्री क्वेश्चन वन डिपेंडर, फिर दो से डिवाइड करोगे वन क्वेश्चन वन डिपेंडर, तो सेवन बराबर होगा 111 का जी भाई, सेवन बराबर होगा 111 का जी। नो इनको एड करना है जी, प्लीज गौर से देखिएगा। अब हमारे पास सारा रिजल्ट है भाई, वन को जब इनको ऐड करेंगे तो भाई वन आएगा, वन वन को जमा करेंगे टू आएगा, टू का हम जीरो लगाएंगे और वन कैरीज भाई, टू का हम जीरो लगाएंगे और वन क्या होगा जी कैरीज। अब ये हमारे पास हो गया चार भाई, चार का आप देखेंगे हमारे पास जो है ना वो जीरो हम लिखेंगे और वन जीरो बच जाएगा। वन जीरो किसके बराबर था, टू के भाई, वन जीरो किसके बराबर था, टू के, टू को जब इनमें जमा करेंगे तो भाई जिनका आएगा सिक्स जी, टू को जब इनमें जमा करेंगे सिक्स आएगा। तो आप जो देखें सिक्स का हमने हल किया तो भाई सिक्स बराबर था 110 के जी, तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे जी और 11 आ जाएगा जी, और 11 किसके बराबर था, थ्री के भाई, 11 किसके बराबर था, थ्री के। तो भाई यहाँ पे जब थ्री लिखेंगे, जब थ्री को इनके साथ जमा करेंगे सेवन आएगा जी भाई, सेवन को जब आप थोड़ा सा करते तो भैया यहाँ पे वन आपके पास सेवन था डबल ट्रिपल वन जी, ये वन लिखेंगे बाकी वन वन बचेगा, वन वन किसके बराबर था, थ्री के, वो हम इधर लिख देंगे, फिर सेवन आएगा जी, फिर यहाँ पे वन लिखेंगे और भैया वन वन बचेगा, वन वन थ्री के बराबर था, थ्री को जब थ्री में जमा सिक्स आएगा, सिक्स का जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या होता है, जीरो लिखते हैं भाई, सिक्स का रिजल्ट जीरो, बाकी क्या लिखेंगे वन वन, और वन वन किसके बाद थ्री के, थ्री जब इनके साथ मिलाएंगे तो फाइव हो जाएगा, फाइव का हमारे पास जो रिजल्ट है भैया, फाइव का जो रिजल्ट हमारे पास है वो है 101 जी, वन लिखेंगे बाकी 10 बचेगा, और 10 किसके बराबर था, टू के जी भाई, टू बचेगा, टू को जब आप इसमें जमा करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री का वन लिखेंगे भाई, थ्री का क्या लिखेंगे 11 जी भाई, थ्री का क्या लिखेंगे 11, तो वही है 111 111 आगे जीरो आगे वन आगे डबल वन आगे जीरो 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 एंड वन, तो वी हैव दिस रिजल्ट भाई। इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई जरा देखिएगा, टू को हम जब वन क्वेश्चन होगा जीरो डिमेंट, तो टू किसके बराबर होगा 10। इस तरह फोर की बात करेंगे, दो क्वेश्चन जीरो डिमेंट, फिर दो से डिवाइड करेंगे वन क्वेश्चन जीरो डिमेंट, तो फोर बराबर होगा 110 के, फोर बराबर होगा 110 के। इस तरह सिक्स की बात कर, थ्री क्वेश्चन वन जीरो डिमेंट, फिर दो से डिवाइड करेंगे तो वन क्वेश्चन वन डिमेंट, तो सिक्स बराबर होगा 110 भाई, सिक्स बराबर होगा 110 के। इस तरह फाइव की बात करें तो फाइव का दो से डिवाइड करेंगे दो क्वेश्चन वन डिमेंडर, फिर दो से डिवाइड करेंगे वन क्वेश्चन जीरो डिमेंडर, तो भाई जिनका होगा फाइव बराबर होगा 101 के भाई, फाइव बराबर होगा 101 के। इस तरह सेवन जब थ्री की बात करेंगे भाई, वन क्वेश्चन वन डिमेंडर, थ्री बराबर होगा 11 के, जहां पर थ्री लिखा यू कैन राइट 11 और जहां पर 11 लिखा यू कैन राइट थ्री। इस तरह सेवन को जब डिवाइड करेंगे तो भैया थ्री आएगा, क्वेश्चन वन डिमेंडर, फिर दो से डिवाइड वन क्वेश्चन वन डिमेंडर, तो सेवन बराबर होगा 111 के जी भाई, सेवन बराबर होगा 111 के जी भाई, जन सेवन किसके बराबर होगा 111 के जी। तो वी हैव जी फोर का पहला पार्ट है आपके पास है 100111 प्लस 111 माइनस 110 भाई, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो वी विल गेट दिस 100 एंड माइनस 110 एज इट। अब जब इनको तो फ्री करेंगे तो वी विल गेट भाई, जब इनको तो फ्री करेंगे तो वी विल गेट डबल वन आगे 10 बेस्ट हो जी भाई, जब 110 तो फ्री करोगे ना तो वी विल गेट दिस भाई, बिल्कुल इजी। आप इन दोनों को जमा करें, यू विल सी दिस, उसमें से ये माइनस कर देंगे ना, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दिस। नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव भैया, आपके पास दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, फिर इनको माइनस करना है तो नो प्रॉब्लम। आप देखें जब दिस माइनस दिस करेंगे तो वी विल गेट दिस, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो वी विल गेट दिस, एम दोनों को तो फ्री करेंगे तो वी विल गेट डबल वन एंड वन एंड बाइनरी जी। अब थर्ड पार्ट वी हैव 1011 को मल्टीप्लाई करना है 1001 भाई, नो प्रॉब्लम। पहले वन को जरब देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर एक क्रॉस लगाएंगे जीरो को जरब देंगे तो भैया क्या का ये सारे जीरो आ जाएंगे, फिर डबल क्रॉस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये जीरो जीरो आ जाएगा।
फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजाय जाएगा। जब इनको जमा करेंगे ना, जब इनको जमा करेंगे तो देखें, पहला 1 एज इट इज, दूसरा 1 एज इट इज जी, फिर भैया 0 को 0 के साथ जमा करेंगे 0 आएगा, फिर 1 को जमा करेंगे तो 2 आएगा, 2 का बजाय 1 0, यहाँ पर 0 रखेंगे 1 कैरी, फिर 1 इधर लेके जाएंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 का 1 0, और 1 0 पे हम यहाँ पे 0 रखेंगे 1 कैरी, 1 जब इधर डालेंगे तो भैया 1 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज, तो वी विल गेट 1111 एंड बाइनरी ऑपरेशन रूट जी। जब इनको भैया मल्टीप्लाई करके आप इनको हल करोगे तो हमारे पास, बस हमने ये याद रखना है कि वो जो लास्ट टाइम रिजल्ट पड़ा था ना, कि 2 का होता है 1 0, 3 का होता है 1 1, 4 का होता है 1 0 0 वगैरह, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है वो हमें सारा कुछ याद होना चाहिए।